प्रयागराज में एक युवक ने हथौड़े से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद खून से लथपथ हथौड़ा लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस से कहा कि साहब हमने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। यह सुनकर पुलिस चौकी के सिपाही हरकत में आ गए। युवक को तत्काल हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पत्नी के हत्या किए जाने का पूरा मामला यमुनापार के नैनी थाना क्षेत्र के डैंडी इलाके का है, जहां शिव प्रताप राजमिस्त्री का काम करता है। उसकी शादी 10 साल पहले सोनी के साथ हुई थी। तभी से पति पत्नी में हमेशा विवाद होता रहा है। उनके 3 बच्चे हैं। जब बच्चे स्कूल गए थे, इसी दौरान शिव प्रकाश और सोनी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि शिव प्रकाश ने गुस्से में हथौड़े से पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। फिर क्या था, शिव प्रताप सीधे गंगोत्री नगर पुलिस चौकी पहुंचा। उसने पुलिस से कहा कि मुझे गिरफ्तार कर ले, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। पुलिस आरोपी के साथ घटना स्थल पर पहुंची तो महिला के सिर से खून बह रहा था। उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि आरोपी शिव प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शुरुआती जांच में हत्या की वजह घरेलू कलह सामने आई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। थाना नैनी क्षेत्र में एक महिला की उसके पति द्वारा जो है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस पर हमला करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आ गया है। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। इन चीज़ों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके द्वारा क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।